22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, राम लला विराजमान हो रहे हैं। इसको लेकर देश भर में विपक्षी पार्टी के कई बड़े नेता को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन सभी ने आने से मना कर दिया है। अब यह फैसला क्या उनका आत्मघाती फैसला साबित होगा या उनके लिए यह अच्छा होगा या खराब होगा, यह हम पूछने के लिए आज भागलपुर के ततारपुर स्थित मुस्लिम बस्ती में आए हुए हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम भाई हैं, बड़े लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये कई लोगों ने मना कर दिया, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे कई विपक्षी पार्टियों को, निमंत्रण को ठुकराया है एक तरह से। क्या उनके लिए सही होगा आगे चल के या गलत हो? नहीं, ये जो भी लोग ठुकराए हैं ना, ये सारे पॉलिटिकल एक मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, क्योंकि उनको अपनी अपनी राजनीति करनी है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें या आरजेडी या जो भी नेशनल पार्टी या क्षेत्र पार्टी है, वो उनका एक गाइडलाइन है कि हमको राम मंदिर में निर्माण में भाग नहीं लेना है या उनके शुभारंभ में भाग नहीं लेना है। ये उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है जो बरसों से 70-80 साल से जो पॉलिटिकल एजेंडा जो चला आ रहा था, जो अब समाप्त हो गया, जो अब उम्मीद है कि ये निर्माण के बाद इस हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान में एक भाईचारा कायम रहेगा और एक शांति बना रहेगा। लेकिन सच बात ये है कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ये शुभारंभ के बाद जैसे प्राण प्रतिष्ठा होगा उसके बाद ये लोग सब छिप छिप करके स्कॉर्पियो और गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाएंगे रामलला का दर्शन करने, और फिर बाद में आके समाज में, हिंदू समाज में, मुसलमान समाज में आके बोलेंगे कि जो है वहाँ नहीं जाना है। लेकिन ये सब दर्शन करने जाएंगे, टोटल गाड़ी भर भर के, ट्रेन भर भर के, ये खाली ये प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, उसके बाद जाएंगे। चूंकि ये बीजेपी वालों ने आह्वान किया है, इसलिए हम उनके आह्वान पर नहीं जाएंगे। बस ये टोटली राजनीतिक से पीड़ित ये एक धंधा है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्तमस बिहारी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई राष्ट्रहित का मामला हो और जब देश के सर्वोच्च जो अधिकारी हैं प्रधानमंत्री, उनके द्वारा अगर निमंत्रण दिया गया है तो सभी लोगों को जाना चाहिए और वहाँ जा करके अपना भी जो उनका पर्सनल राय है। जब मैं जानता हूँ कि बचपन से मैं एक बात सुना हूँ कि जब फुटबॉल की खेल होती है तो उसमें एक ही टीम के खिलाड़ी खेलेंगे तो बार बार वो गोल मारते चले जाएंगे, जब दूसरी टीम के खिलाड़ी पहुँचेंगे तभी तो वो प्रोटेस्ट कर पाएंगे। तो राम मंदिर के निर्माण में कहाँ त्रुटि है, कहाँ और अच्छा होना चाहिए, कहाँ राष्ट्रहित की बात होनी चाहिए, कहाँ सांप्रदायिक सौहार्द की बात होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर विषय रखने के लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपने आप को चाहे वो राष्ट्रवादी कहती हो या सेकुलर कहती हो या फासिस्ट कहती हो या कम्युनिस्ट कहती हो, इन तमाम लोगों को उसमें भाग लेना चाहिए, जिससे कि उनको ये लगे कि भाई जो विषय रखा गया है उस पर हमारा भी कुछ विषय आना चाहिए, ताकि देश के लोग भी ये जाने कि सारे लोगों की मंशा क्या है। चुपचाप से घर में बैठ जाना ये सही बात नहीं। आपको क्या लगता है विपक्षी पार्टियों को क्या नुकसान होगा इस फैसले से? देखिए, ये अभी भी पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस जहां एक तरफ जो विपक्ष है वो इसको इनकार कर रही है कि नहीं जाएंगे हम, उसका न्योता ठुकरा रहे हैं। और चूंकि ये, जैसा कि लोगों ने यहां पर बताया कि ये भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया, लेकिन देश के लोगों को यह भी समझना चाहिए, सभी लोगों को यह भी समझना चाहिए कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बरसों से चला आ रहा था। इस मुद्दे को आपसी सौहार्द के साथ, भाईचारा के साथ कैसे निपटाया जा सकता है, और बीजेपी हमको लगता है कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सफल, और जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को होने जा रही है, इसमें सफल है। लेकिन दूसरी ओर अगर दूसरे पहलू से अगर इसकी बात को देखें तो यह आगामी जो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें भी ये चीज, उसको भी देख, कुछ लोग उसको इस नजरिए से देख सकते हैं कि इलेक्शन के बाद भी ये चीज हो सकता था, लेकिन इलेक्शन के पहले ये चीज क्यों हुआ? तो यहां पर इसको लेकर के जो पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें कहीं ना कहीं रार है। अब बाकी उनकी क्या मानसिकता है या किस पूर्वाग्रह से वो ग्रसित है वो तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जो भारत की जो जनता है, जो राष्ट्र की जो जनता है, जो देश की जो जनता है, वो जो आम आवाम है, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं ये राम मंदिर का मुद्दा सलट जाए, बस इसका यही लोगों को इंतज़ार है, इसी चीज़ का इंतज़ार है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, किसे जाना चाहिए किसे नहीं जाना चाहिए, उसको आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है आपका? सैयद इनाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद शहाबुद्दीन है। अच्छा, आपको लगता है कि राम मंदिर से देश को कितना फ़ायदा होगा ये अगर आप? देखिए, राम मंदिर को देश को एक तो जो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा,
वो ये कि कम से कम जिस बहाने से राजनीतिक पार्टियां जो गोटियां सेकती थी, एक कहती थी बनने नहीं देंगे, एक कहती थी कि बना के ही दम मारेंगे, कम से कम ये राजनीतिक जो गेम था, जो जो सांप सीढ़ी का गेम था, वो गेम खत्म हो गया। अब तो ये राम मंदिर बनने से एक फायदा ये होने वाला है कि कम से कम ये मुद्दा खत्म हो गया, जो रह रहे करके हिंदू मुसलमान में जो दंगा फसाद का एक बहाना बनता था, कभी ईटा पूजन, कभी मंदिर पूजन, कभी कोई 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 यात्रा, कभी कार सेवा, ये सब अब बंद हो गया। अब जैसा कि है कि राम राज चलेगा, तो राम राज में बाघ और बकरी एक साथ पानी पीते थे, वैसे ये राम राज में भी उम्मीद करते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ अमन चैन से इस देश में रहें, यही हमारी दुआएं हैं। अच्छा, और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कासिम। क्या लगता है आपको, विपक्ष लोग नहीं जा रहे हैं न्योता पर राम मंदिर, फायदा होगा या नुकसान होगा? ये सब इलेक्शन का एजेंडा है, सब इलेक्शन के पहले हो रहा है, इसलिए इलेक्शन सारा जो है फंडा जो है इलेक्शन का है, ये बाद में भी हो सकता था, पहले भी हो सकता है, इसलिए इलेक्शन का ये है, इलेक्शन को लेकर। जी, आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद परवेज आलम। क्या लगता है आपको, राम मंदिर निर्माण में न्योता मिला है कई विपक्षी पार्टियों को, वो लोग मना कर दिया है? ये इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, उसी में ये चल रहा है, बाकी हम स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ कई लोग थे, कई मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सभी से हम लोगों ने बातचीत की, लगभग सभी का एक ही कहना है कि इलेक्शन को लेकर पहले प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को, तमाम जो वो लोग हैं, उन्हें इस न्योता को स्वीकार करके वहां जाना चाहिए, और जो लोग नहीं जा रहे हैं वो बाद में छुप छुप कर जरूर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।